हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। हम लोग देखिए पिछली वीडियोस में क्या हम लोगों ने पढ़ा पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद आज क्या कंप्लीट करेंगे उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, पहले जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है वो आपका हो जाता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और उससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के सारे टेंस देखे थे, जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनको कंप्लीट किया। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चीज़ों को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे, उससे पहले पास्ट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाता है उसमें क्या पहचान थी, तो उसमें देखिए पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन साथ में लेके चलेंगे जिससे आप लोगों के जो भी कन्फ्यूज़न या जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान हो जाती है था, थे, थी, इनका प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले हो जाता है सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये किसकी पहचान हो जाती है? तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान हो जाती है। तो इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, उसके बाद देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, ये सारे वाक्य आते हैं, यानी ये पहचान होती है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसका यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। और सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ करेंगे? तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आपका हो जाता है आईएनजी फॉर्म हो जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि पहले समझ लिया कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, इसमें क्या यूज़ होता है, यानी स्ट्रक्चर में क्या यूज़ किया जाता है, उसके बाद अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब, मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी आदि का प्रयोग होता है, यानी कि इसकी ये पहचान हो जाती है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राम घूम चुका था, सीता आ गई थी। तो राम घूम चुका था तो ये कौन सा टेंस हो जाता है? तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है, यानी जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, ये सब आ जाता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो राम घूम चुका था, सीता आ गई थी, लोग घूम लिए थे, मैंने किताब ली थी, इस तरह से हो जाता है। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें नॉट का यूज ना हो, है ना, नॉट का यूज ना हो, प्लस जिसमें क्वेश्चन मार्क यानी कि जो प्रश्न चिन्ह वाले वाक्य होते हैं उनका यूज नहीं होता है, वो क्या होते हैं? तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिनको सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे? तो जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है तो उसमें सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? तो हैड का यूज़ करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के लिए हैड का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी देखिए, पहले आपने किसका यूज़ किया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आपने यूज़ की? जब पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस आपने पढ़ा तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज़ किया, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया, लेकिन अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। आप ऐसे भी
याद रख सकते हैं। जैसे एक ट्रिक हो जाती है कि ये तीसरा टेंस है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि थर्ड नंबर पे आया तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, क्योंकि चीजें ऐसे ही याद की जाती हैं जिससे हमेशा याद रहे चीजें, है नहीं कि अभी आपने वीडियो देखा, अभी आपको समझ में आ गया, ऐसा लगा बड़ा इजी है, उसके बाद आप चीजें भूल गए। तो इस तरह से चीजें याद किया कीजिए, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन वो बहुत अहमियत रखती हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोग का हो जाता है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल हो जाता है, राम स्कूल जा चुका था, तो यहाँ पे क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये सब हो जाते हैं। तो ये कौन सा टेंस हो जाता है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट का यूज करेंगे, है ना। सब्जेक्ट क्या है, राम है, सिंगुलर है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हैड हो जाता है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो गो फर्स्ट फॉर्म हो जाती, गोइंग आईएनजी फॉर्म हो जाती है, लेकिन गोवन थर्ड फॉर्म हो जाती है। कहाँ, तो स्कूल, तो टू स्कूल हो जाता है। मैंने खेल लिया था, तो मैंने के लिए क्या यूज करेंगे, तो आई हो जाता है, मैंने के लिए आई हो जाता है। और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है वो क्या हो जाता है, हैड, लिया था, देखिए यहाँ पे समझिए, लिया था, दिया था, इसलिए हैड का यूज करेंगे। और प्ले, प्ले मतलब फर्स्ट फॉर्म हो जाती, प्लेड थर्ड फॉर्म हो जाती, और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, इसलिए प्लेड हो जाता है। हमने फिल्म देखी थी, तो हमने, तो वी, सब्जेक्ट क्या हो जाता है, तो वी हो जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाता है। देखी मतलब सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, और थर्ड फॉर्म इसमें यूज करनी है, तो सीन हो जाता है। द फिल्म यानी वी हैड सीन द फिल्म हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस हो जाते हैं जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जो भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं यूज नहीं होता है। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नॉट का यूज किया जाता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो और ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करनी इसके स्ट्रक्चर में, बहुत ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं करनी है इसमें, सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग देखिए स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, कई टेंस आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, तो नॉट कहाँ पे आया, तो आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो फॉर्म है उसके बीच में, या आप ऐसे कहें हेड के बाद और वर्ब की फॉर्म से पहले, या हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो फॉर्म है उसके बीच में। आपको जैसे सुटेबल लगे, जैसे आपको आसान लगे, आप उस तरह से चीजों को समझिएगा। अब यहाँ पे हो जाता है एग्जाम्पल, राम स्कूल नहीं गया था, तो राम हैड नॉट गोन टू स्कूल, यानी कि देखिए हैड गोन के बीच में नॉट का यूज किया गया है। उसके बाद मैंने नहीं खेला था, तो आई हैड नॉट प्लेड, यानी कि मैंने नहीं खेला था। हमने फिल्म नहीं देखी थी, तो वी हैड, अब उसके बाद तुरंत जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और द फिल्म यानी वी हैड नॉट सीन द फिल्म, ये हो जाता है। इस तरह से आपके नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। और अब हो जाते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इनको देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, है ना, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आप कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें रहा है, रही है तो नहीं है, देखा था, उसने देखा था, उसने लिया था, उसने दिया था, उसने किया था, इस तरह से सेंटेंस होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाता है डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, और अगर नॉट है इसमें तो आप नॉट का यूज करें, अगर नॉट नहीं है तो नॉट का यूज ना करें। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है।
अब इसको समझ लेते हैं कहां पर WH फैमिली का यूज होता है, कहां पर WH फैमिली का यूज नहीं होता है। पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सेम कंडीशन होती है, ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन चेंज होती है। कोई भी टेंस हो, लेकिन WH फैमिली कहां पे यूज हो, कहां पे ना यूज की यानी हो या ना हो, कहां पे की जाए कहां पे ना की जाए, तो सेम कंडीशन रहती है। लेकिन हम चीजों को बार बार रिपीट करते हैं जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। तो WH फैमिली का यूज वहां पर होता है जहां पर आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। जैसे मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं आपको बताना होगा, तो आप WH फैमिली का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैंने कहा क्या आप कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या यस या नो में आंसर दे सकते हैं, यस या नो में आंसर दे सकते हैं, तो इसमें क्या होगा WH फैमिली का यूज नहीं होगा। जैसे क्या आपने देखा था, क्या आपने देखा था, तो आप क्या कह सकते हो यस, अगर देखा है तो आप कह सकते हो यस, अगर नहीं देखा है तो आप कह सकते हो नो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आप WH फैमिली का यूज ना करके सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट कर सकते हैं, यानी कि दोनों की जगह तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें WH फैमिली का यूज नहीं कर सकते। WH फैमिली यानी व्हाट, वेयर, ये सब हो जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, क्या आपने देखा था, तो हैड यू सीन, अगर आप सिंपल बनाए क्या इसमें नहीं है तो हैड यू सीन, है ना। लेकिन अब आपने क्या इसमें ये वाला सेंटेंस बना रहे हैं, तो हैड यू सीन, आपने क्या देखा था, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या देखा था, कोई फ्लावर देखा था, कोई फ्रूट्स देखे थे, कोई बुक्स देखी थी, कुछ भी आपने जो भी देखा है उसको बताना होगा। यस या नो में तो आप आंसर नहीं दे सकते, है ना। अगर हमने ये पूछा होता क्या आपने देखा था, तो आप कह सकते थे यस या नो। तो यहाँ पर WH फैमिली का यूज करेंगे, यानी कि व्हाट पहले यूज करेंगे, उसके बाद हैड, और हैड यानी हेल्पिंग वर्ब जो हो जाता है, उसके बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें चल रही है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सीन। तो व्हाट हैड यू सीन, क्या राम स्कूल गया था। अब आप कह सकते हो हाँ या नहीं, यस या नो आंसर दे सकते हो, यानी यहाँ पे WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे, है ना, यहाँ पे WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो जाता है वो हेल्पिंग वर्ब, और जो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है उसको सब्जेक्ट कर देंगे, यानी कि हैड राम गोन टू स्कूल, इस तरह से आपकी चीजें हो जाती हैं। अब देखिए आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे आपने पढ़ा था पिछली वीडियोज में यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें क्या पहचानती, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप कहोगे रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। लेकिन ठहरिए, अभी आप देखिए यहाँ पे समझिए, इसमें समय भी दिया होता है और समय के लिए सिंस या फॉर का यूज भी करते हैं, तो ये इसमें चेंजिंग हो जाती है। तो इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हो जाता है, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये क्या हो जाते हैं, तो ये आपके अगर देखो अगर दोनों में अंतर करना है तो आप समझ सकते हैं कि जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये किसकी पहचान हो जाती है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाती है। लेकिन इसमें समय के साथ से का प्रयोग भी होता है, यानी इसमें समय दिया होता है और निश्चित अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं, तब आपका क्या हो जाता है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसमें क्या था, उसमें वाज वेयर का यूज करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें आपका हो जाता है, इसमें आप किस चीज का यूज करेंगे, तो हैड बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो हैड बीन का यूज करेंगे। जैसे हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सिंस या फॉर लिखते हैं, और अगर टाइम, देखिए टाइम तो दिया ही होगा, तो टाइम अगर दिया है तो टाइम भी यहाँ पे लिखेंगे।
अब सिंस और फॉर की बात रही कि सिंस कहाँ पे यूज करेंगे और फॉर कहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे कोई चीज निश्चित है, मान लीजिए 12 मंथ होते हैं यानी कि जनवरी टू दिसंबर, अगर ये एकदम एक्यूरेट चीज दी है कि जनवरी से ऐसा वर्क हो रहा था, फरवरी से ऐसा वर्क हो रहा था, मार्च से ऐसा वर्क हो रहा था, तब आप क्या करेंगे? तब आप सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? तो सिंस का यूज करेंगे, यानी कि निश्चित समय है। आपने बिल्कुल सही बताया कि जनवरी से ऐसा काम किया जा रहा है या फरवरी से ऐसा काम किया जा रहा था, रहा है मतलब प्रेजेंट में हो जाता है और पास्ट में रहा था, है ना। ये चीज आप लोग इसमें अंतर समझिएगा। फिर उसके बाद अब आप फॉर का कहां पे यूज करेंगे? तो जैसे जनवरी टू दिसंबर नहीं दिए कि पिछले महीने से ऐसा काम हो रहा था, है ना। तो पिछले महीने कौन से पिछले महीने? अब नहीं पता है कि जनवरी से कि फरवरी से कि मार्च से कि अप्रैल से कि मई से, यानी 12 मंथ होते हैं लेकिन उनका नाम नहीं दिया है, पिछले मंथ कहा है, तो वहां पे फॉर का यूज करेंगे, यानी कि अनिश्चित समय है। क्योंकि अनिश्चित है कि आपको ये नहीं पता है कि किस मंथ में, लेकिन ये पता है किसी मंथ में, यानी पिछला कोई है मंथ है उससे वर्क हो रहा था। इसके बाद इसी तरह जैसे वीक हो जाता है, संडे से ऐसा वर्क हो रहा था या मंडे से ऐसा वर्क हो रहा था या ट्यूसडे से ऐसा वर्क हो रहा था, यानी 7 डेज होते हैं वीक में, तो कोई भी अगर नाम दिया है तो क्या होगा? तब यूज होगा सिंस, यानी कि निश्चित समय है। लेकिन आप यहाँ पे समझे कि फॉर का कहाँ पे यूज करेंगे, कि पिछले दिन से ऐसा काम हो रहा था, उस कई दिनों से ऐसा काम हो रहा था, तो कई दिन क्या मतलब कितने दिन ये नहीं पता है, तो इस तरह से सिंस और फॉर का यूज करते हैं। इसी तरह कोई चीज दे रहे हैं कि 1990 से ऐसा काम हो रहा था, यानी एकदम एक्यूरेट चीज है कि 1990 से ऐसा काम हो रहा था, तो मतलब यहाँ पे सिंस का यूज होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कह दें कि कुछ सालों से ऐसा वर्क हो रहा था, तब आप यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। अगर मॉर्निंग आ जाता है, जैसे मॉर्निंग से ऐसा काम हो रहा था, तो जब मॉर्निंग से ऐसा काम हो रहा था तो मॉर्निंग तो होती है, ये तो निश्चित है, यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। नून होती है तो यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, नाइट होती है तो यहाँ पे भी सिंस का यूज करेंगे। लेकिन जैसे कि कुछ टाइम से ऐसे करके या जिसमें निश्चितता ना हो, तो वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। इसी तरह घंटे का हो जाता है, जैसे 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे ये नहीं पता है, 3 घंटे से, कौन से 3 घंटे से ये नहीं पता है। लेकिन अगर ये बता दे कि 2 बजे से वो काम हो रहा था, कितने बजे से, तो 2 बजे से, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 बजे हो, तो यहाँ पे सिंस, मतलब कोई भी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 12 बजे, जितने बजे, लेकिन ये निश्चित है, यानी कि यहाँ पे सिंस का यूज होगा। लेकिन अगर ये कह दे कि कुछ घंटों से, इतने घंटों से, उतने घंटों से ऐसा काम हो रहा था, तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा, क्योंकि कुछ तो है घंटे लेकिन कितने घंटे ये नहीं पता। इसी तरह सेकंड हो जाता है, इसी तरह मिनट हो जाता है। अगर बताए कुछ मिनट से ऐसा काम हो रहा था, कुछ सेकंड से ऐसा काम हो रहा था, तो निश्चित नहीं है। अगर ये कह दे 2 सेकंड से ऐसा काम हो रहा था, 1 सेकंड से ऐसा काम हो रहा था, तो इसमें ये निश्चित है। तो कुछ भी हो जिसमें एक्यूरेट चीज दिए हो, तो वहां पे सिंस का यूज होगा, और जहां पे एक्यूरेट चीज नहीं दिए हैं तो वहां पे फॉर का यूज होगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर देंगे। अब समझ लेते हैं सोहन। देखिए यहाँ पे दोनों सेंटेंस है, सोहन घूम रहा था, ये कौन सा टेंस हो जाता है? ये आपका हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, कि भाई वो घूम रहा था, इसमें टाइम नहीं दिए हैं, तो सोहन वॉज वॉकिंग, है ना। यहाँ पे वाज का यूज होगा क्योंकि सोहन एक है, सब्जेक्ट सोहन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो श्याम वाज वॉकिंग यानी घूम रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब सोहन 2 घंटे से घूम रहा था, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? देखिए रहा था तो रहा था यहाँ पे भी हो जाता है, समझिए
कि रहा था, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा था, रही थी, रहे थे हो गया। इसमें भी सोहन हो जाता है, इसमें भी सोहन हो जाता है, इसमें भी आपका घूमना हो जाता है, इसमें भी घूमना हो जाता है, लेकिन फर्क कहाँ पे है? फर्क है 2 घंटे से। तो यहाँ पे आप जैसे ही 2 घंटे आपने देखे, वैसे ही आप समझ गए कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका वाज यूज होगा, वेयर यूज होगा। जैसे एक वचन करता है तो उसके साथ वाज, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, सोहन, मोहन, ये सब हो जाते हैं। और अगर वेयर का यूज करना है तो जैसे यू, वी, दे, है ना, ऐसे हो जाता है। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए सोहन, अब सब्जेक्ट जो आपका हो जाता है सोहन, और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज करेंगे? तो हैड का यूज करेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, इसके साथ बीन का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी यूज करेंगे और उसके बाद 2 घंटे से ही। अब ये नहीं पता है शाम के 2 घंटे या सुबह के 2 घंटे या रात के 2 घंटे, 2 घंटे हैं, कोई भी 2 घंटे हैं, हमें ये निश्चित नहीं है। यानी निश्चित नहीं है तो ये अनिश्चित है, और अनिश्चित के लिए फॉर का यूज करते हैं। कितने घंटे हैं? तो 2 आवर्स, यानी 2 घंटे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। सेम होता है, सिर्फ क्या करना होता है कि नॉट का इसमें यूज करना होता है, लेकिन कब करना होता है? तो हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज करना होता है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन, यानी कि हैड और बीन के बीच में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ing हो जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है, सिंस या फॉर हो जाता है, और टाइम देखिए सेम है, सिर्फ आपका हेड और बीन के बीच में नॉट का यूज होता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, राधा 2 घंटे से नहीं खेल रही थी, तो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे। बाकी जैसे सिंपल आपका बनता है आप ऐसे बना ले। देखिए अगर सिंपल आप जैसे बना रहे हैं तो राधा हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, आप यहाँ पे हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज कर देंगे, आपका ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं शाम से नहीं खेल रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, यानी देखिए यहाँ पे नॉट का यूज कब हुआ है? तो हैड और बीन के बीच में, या आप ऐसे बोल सकते हैं हैड के बाद में, और ऐसे भी बोल सकते हैं बीन से पहले नॉट का यूज करते हैं, लेकिन नॉट की अपनी जगह नहीं चेंज होगी, आप किसी भी तरह से बोल लें नॉट की जगह वहीं पर रहेगी। अब यहाँ पे शाम, देखिए शाम होती है वो निश्चित है, तो यहाँ पे सिंस, और कब से? तो इवनिंग, तो ये हो जाता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी डिस्कस कर चुके हैं, जब हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, अगर टाइम दिए हो तो इस तरह से, और टाइम तो इसमें होता है यही पहचान है, और किसी किसी में भी नहीं भी टाइम दिया होता है लेकिन होते हैं वो। तो मीरा 2 घंटे से कहाँ घूम रही थी? अब यहाँ पे देखिए WH फैमिली का यूज करेंगे, क्योंकि कहाँ, अब देखिए वो कह रहे कहाँ घूम रही थी, जहाँ घूम रही थी वो जगह तुमको बतानी पड़ेगी, है ना। तो जैसे यहाँ पे हो जाता है वेयर, फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना जरूरी है, यानी मस्ट है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं वो कब से हंस रहा था, तो वो कब से हंस रहा था, तो आपको बताना पड़ेगा कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1 घंटे से, 1 मिनट से, कुछ भी बताना होगा। और यहाँ पे आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, कि अगर आपसे इतना पूछा जाता क्या वो हंस रहा था तो आप कहते हैं यस,
अगर हंस रहा है तो यस, अगर नहीं हंस रहा है तो नो। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया कब से हंस रहा था, तो आपको इसकी इंग्लिश लिखनी होगी, यानी कब की आपको इंग्लिश लिखनी होगी। और वहाँ यहाँ पे देखिए, हमने कहा था कि किसी में आपका टाइम दिया होगा, किसी में टाइम नहीं दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सिंस व्हेन हैड ही बीन लाफिंग, तो वो कब से हंस रहा था। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।